हेलो फ्रेंड्स, आज की इस विशेष चर्चा के अंदर आपका स्वागत है। और निफ्टी आज एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ और दिन में 2:30 बजे के आसपास जो है एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिली, लेकिन एक्सपायरी वाला डे था तो वो काफ़ी हद तक ऑब्जर्व होती हुई भी नज़र आई। यानी कि जो बाज़ार के अंदर जो तेज़ी का आगाज जो है कल बाज़ार में छोड़ के गए थे, और हमने एक कॉन्ट्रा व्यू जो है रखा था कि नहीं, बेशक से चार्ट जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन मुझे टेक्निकल के हिसाब से ज़्यादा जो है एक मनोविज्ञान के हिसाब से मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। और आज तो देखिएगा सेटअप ही बदल गया पूरा, उसकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा देखिएगा आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी अल्फा मेंबरशिप से रिलेटेड जो है सवाल जो है समय समय पर पूछते रहते हैं, या मेरे से पर्सनल मैसेज में भी जो है पूछते रहते हैं कि सर उसमें आप करते क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा वो एक वीडियो रिलेटेड जो है क्लैरिफिकेशन है, यानी कि जो वीडियो हम उसमें शेयर करते हैं, तो मैं आपको हालांकि देखिएगा ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ दिसंबर महीने के अंदर जो हमने वीडियो अपलोड की अभी तक, अभी एक दो दिन और भी होंगी, आज भी हम शायद एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो हम किस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डेली बेसिस पर, एक लाइव सेशन करते हैं हम उसके अंदर, और जो हमने भी वीडियो हाल फिलहाल में जो शेयर की है उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरीके की वीडियो हम शेयर करते हैं। तो देखिएगा हमने 25 दिसंबर को वीडियो शेयर की थी, मार्क्स एंड फार्मा स्ट्रॉन्गली बुलिश, हमें स्ट्रॉन्गली बुलिश क्यों लग रहा है, तो उसका हमने एक कंपेरेटिव एनालिसिस किया है विद पीयर्स, यानी कि जो बाकी फार्मा कंपनीज है उनके साथ हमने उसका एनालिसिस किया। दूसरा है मार्क्स एंड फार्मा की जो वीडियो है कि उसमें एक कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो जो शेयर वारंट इश्यू होने हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है आगे चल के पड़ सकता है, क्या क्या उसमें इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, तो वो इस वीडियो में हमने चर्चा किया। और इसके अलावा जो है अल्फा मेंबर्स वीडियो, हैवी सेल ऑफ जो है किसी शेयर्स में हुआ तो उसके बारे में हमने एक जो है एक जनरल वीडियो बनाई थी कि भाई किस तरीके से जब हैवी सेल ऑफ होता है तो क्या उसके रिएक्शंस होते हैं। उसके अलावा देखिएगा 20 दिसंबर को हमने एक शेयर्स के बारे में और मार्क्स एंड फार्मा के बारे में एक न्यूज़ अपडेट जो है शेयर किया था। उसके अलावा लाइव सेशन जब हम करते हैं तो कुछ सेशंस ऐसे भी हम करते हैं, लाइव सेशन किया था हमने तो 19 तारीख को हमने लाइव सेशन किया था, सॉरी 18 को ही किया था, तो 18 तारीख को जब लाइव सेशन किया था तो लाइव सेशन की वीडियो अलग है। तो लाइव सेशन से पहले भी हम कुछ ऐसे शेयर्स जो हमारे अल्फा मेंबरशिप के अंदर हमने डिस्कस किए, तो उनमें से 5-7 शेयर्स के जो व्यू हैं वो हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉमन क्वेश्चंस जो हैं लाइव सेशन में आएंगे उनको कॉमन क्वेश्चंस को। उसके अलावा स्टॉक पोर्टफोलियो का अपडेट कि भाई जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसमें जो शेयर्स हैं उसमें से किस तरीके से जो है अपडेट हम लेते हैं, तो कुछ शेयर्स ऐसे जो हमारे पोर्टफोलियो में या उनसे रिलेटेड जो कोरिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसी तरीके से एक और स्टॉक्स के बारे में कभी कुछ न्यूज़फुल होता है तो वो चर्चा हमने की, पोर्टफोलियो के अपडेट्स और ईस्टर इंडस्ट्रीज़, ये शेयर्स देखिएगा हम आपके साथ भी साझा कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो थी कि फ्यूचर आउटलुक कैसा है उसका भी, उसमें क्या एक मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी का जो है हमने जो है यहाँ पे फंडामेंटल व्यू जो है लिया था। उसके अलावा सीएट कंपनी में हमने 50% का प्रॉफिट कमाया था और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो मतलब 4-5 महीने के अंदर जो है सीएट में 50% का प्रॉफिट आया था, तो वहाँ पे हमने एक अपडेट दिया था कि अब क्या करना है, और जुबिलेंट इंग्रीविया और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में किस तरीके की सिमिलरिटी है, वैल्यूशंस किस तरीके की हैं, तो ये वीडियो हमने दिसंबर 4 को शेयर किया था। फिर स्टॉक फॉर द मंथ हमने नवंबर 30 को ही कर दिया था, यानी कि एक दिन पहले, तो इसके अंदर एक स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस तरीके से जो है वीडियो हम अपलोड करते हैं। इसके अलावा जैसे नवंबर की भी कुछ 2 वीडियो आपके सामने आ रही हैं, तो होल्ड टाइटली पोर्टफोलियो में क्या आपको टाइटली होल्ड करके रखना है, कौन से शेयर्स बॉटम फिशिंग है, जहां पर बॉटम फिशिंग यानी कि 52 वीक लो के आसपास शेयर्स हैं, या ऐसी वैल्यूशंस के ऊपर आ गए हैं कि जहां पर कि एक अपसाइड जो है वहां पर बनती है, तो इस तरीके से जो है हम चर्चा जो है इसके अंदर करते हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आगे। अब देखिएगा आज जो सेटअप हुआ है निफ्टी के अंदर, तो अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आज की जो कैंडल बनी है, आज कल जो हैमर बन रहा था, और हालांकि ये देखिएगा हैमर है या हैंगिंग मैन है, ये पैटर्न जो डिसाइड करता है कि आप किस ट्रेंड से निकल कर आए हैं, तो क्योंकि ये गिरते हुए क्रम में था तो इसलिए इसको हमने हैमर की संज्ञा दी थी, और आज आप देखेंगे तो कुछ इन्वर्टेड हैमर जो है बनता हुआ नजर आया, और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस कॉम्बिनेशन से, क्योंकि कल एक्सपायरी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैंने ऑप्शन चेन को भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है, तो ऑप्शन चेन को अगर हम देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये एक जो है एक रेंज की ही बात कर रहे हैं, 100-150 पॉइंट तो देखिए बाजार आजकल होता ही है,
18,000 के आसपास जो है एक सपोर्ट है निफ्टी में और 18,200 में एक रेजिस्टेंस है। बट ये 18,000 के अंदर जो ऑप्शन है वो बहुत जबरदस्त तरीके से राइट हो रखी है, और जिस तरीके से पूरे दिन गहमा गहमी रही, दोनों साइड ना बुल्स ना बियर कोई टूटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लास्ट में जो बाजी है, मतलब अगर हम ये कहें तो एक दाव जो है लास्ट में बियर्स ही जो है मार के गया है, क्योंकि सुबह बुल्स ने बाजार को खींचने की कोशिश की और बियर्स ने पहले उसको रोका और बाद में उसको नीचे धकेल भी दिया, और कुल मिलाकर निफ्टी को नेगेटिवली जो है बंद करा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जब बाजार सुबह खुले थे तो क्योंकि यूएस मार्केट और जो बाकी एशियन मार्केट से वहाँ कमजोरी थी, तो उस वजह से आपको ओपनिंग तो ऐसी लगेगी कि यार ओपन तो नीचे होना ही था, लेकिन उसके बाद जब उस बाजार को सुबह खींचने की कोशिश हुई तो निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। मुझे अभी भी लगता है कि सेल ऑन राइज की मार्केट है, और कल के लिए मेरा जो व्यू है वो ये है कि कल बाजार माइनस में बंद होने की बहुत अच्छी प्रबल संभावना है जो है बनी है। आज के पैटर्न में एक चीज और सबसे अच्छी बात थी कि आज सेलिंग जो है सेलर्स जो है एग्रेसिवली सेल कर रहे थे, और बायर के अंदर मतलब जितनी ताकत है बायर अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि बहुत दिनों के बाद मतलब देखिएगा, ये जो सेलिंग थी ये जो 3 दिन में आई थी ये एक तरीके से पैनिक सेलिंग थी न्यूज़ फ्लो की वजह से, लेकिन आज आप देखिएगा विदाउट न्यूज़ जो है ऊपर से माल बढ़िया तरीके से ऑफलोड हो रहा था, उसका असर जो है हमें कल देखने के लिए मिलेगा। और एक सबसे खास बात ये होती है कि जब एक्सपायरी होती है ना तो एक्सपायरी में अगले महीने के सौदे बन जाते हैं, यानी कि मान लीजिएगा मेरे को मंदी बनानी है और इस महीने उसमें तेजी है, तो सबसे खास बात यह कि मैं अपनी मंदी भी बना लूंगा और साथ साथ क्या है कि मेरा माल बहुत अच्छे रेट में सेल भी हो जाएगा, यानी कि मुझे मान लीजिएगा अगले पूरे महीने माल बेचना है और या मुझे अपनी FNO की पोजीशंस 15 दिन के अंदर अंदर मंदी की बनानी है और उसके बाद हो सकता है मुझे अगले महीने तेजी करनी है, जो मेरा अगले महीने का आउटलुक भी यही है कि मुझे लग रहा है कि 10-12-15 तारीख तक बाजार को दबाने की कोशिश होगी और उसके बाद शायद बाजार के अंदर एक जब नीचे के लेवल्स हों तो एक पुल बैक भी जो है मध्य से जो है जनवरी के से बनना शुरू होगा, ऐसी काफ़ी जो है उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर जो अब बाजार में जो सेल ऑफ हुआ है वो इस तरीके का है कि ऐसा लग रहा है कि जो मंदी वाले जो पोजीशंस हैं स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर और फाइनेंशियल्स के अंदर, कि वो रोल ओवर इस तरीके से कर रहे हैं कि अगले महीने की मंदी भी बन जाए और साथ साथ अपना माल जो है, क्योंकि जिन लोगों ने तेजी कर रखी वो रोकेंगे भी जरूर, और रोकेंगे तो अल्टीमेटली माल बहुत अच्छे रेट में सेल होगा। तो इस बात की एक अच्छी उम्मीद है कि क्योंकि आज जो सेल ऑफ हो रहा था वो हैविली हो रहा था, वॉल्यूम के साथ आज जो है माल दिया जा रहा था, और बहुत दिनों के बाद जो है कुछ जो शेयर्स हैं चुनिंदा जो शेयर्स हैं उनमें डिलीवरी परसेंटेज बढ़ी है, और बढ़ी इसलिए क्योंकि आज अच्छे से माल जो है बेचा जा रहा था, और जो सेलर है वो कुछ इस तरीके से है कि वो नीचे माल बेचना ही नहीं चाहता, बाजार जैसे ही ऊपर की तरफ आता है वो सेलिंग बढ़ जाती है, बाजार जैसे ही नीचे की तरफ जाता है सेलिंग खत्म हो जाती है, फिर बाजार थोड़ी देर में ऊपर आता है, जैसे ऊपर की तरफ बाजार आता है तभी तुरंत सेलिंग जो है देखने के लिए मिल रही है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स के शेयर्स आज बैकफुट पे थे, और ये बैकफुट पे मुझे लग रहा है कि ये अगले महीने जो है रोल ओवर हो रही है ये पोजीशंस, जिसकी वजह से ये बैकफुट पे हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, 3 फाइनेंशियल्स के हैं वीक के साइड, और तेजी की तरफ एक भी शेयर्स फाइनेंशियल्स का आज नजर नहीं आ रहा है। तो आज टाइटन, और देखिएगा मेरा आउटलुक भी यही है, मैं आपको बता दूं जब अगले महीने रिजल्ट आएंगे तो मुझे लग रहा है कि FMCG अच्छा करेगा, टेक्नोलॉजी से जितनी उम्मीदें थी कि खराब करेगा शायद उतना खराब नहीं करेगा। तीसरी बात, मुझे लग रहा है कि फार्मा के अंदर बहुत दबाव पीछे रिजल्ट्स में रहा है, वो शायद आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। वहीं पर जो वीकनेस है वो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं वहां पर आपको वीकनेस देखने के लिए मिलनी चाहिए। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि जो केमिकल स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक मार्जिन के अंदर कंट्रक्शन बहुत जबरदस्त हो सकता है, और ये आप पूरा पैटर्न भी देखेंगे अगर पिछले 2-3 महीने से आप देखेंगे तो जो केमिकल स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर पोर्टफोलियो मैनेजर्स की पसंद है, लेकिन उनके अंदर रन अप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो मार्जिन्स हैं वो भी कम होंगे और जो ग्रोथ के पोटेंशियल्स हैं उनके ऊपर भी एक डेंट पड़ रहा है, और इसके अलावा जो कोविड की सिचुएशंस अगर ईज आउट होती है चाइना में और चाइना लॉकडाउन को ख़त्म करता हुआ नजर आएगा तो एक चांसेस और बन रहे हैं कि वहाँ पर जो केमिकल कंपनीज हैं वहाँ पर जो सप्लाई चेन की जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ से भी डिमांड हो सकती है पिकअप करें, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका चाइना से सीधा कंपटीशन है। तो कुल मिलाकर केमिकल सेक्टर्स के अंदर मिले जुले से नेगेटिव रिजल्ट्स की उम्मीद है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ऐसे
हैं जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं करते, वहां पर भी चैलेंजेस हो सकते हैं। पॉलीमर कंपनीज के देखिएगा, सभी के जो शेयर प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल्स में स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं या असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। ऊपरी लेवल पर वो भी सेलिंग जो है दिखा रही है। तो उन सबको अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करें तो बैंकों के अंदर एक खाली मजबूती है जो अभी भी देखिए कंटिन्यू है, लेकिन बैंक भी शायद ऊपरी लेवल पर अब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें इनहेरेंट वीकनेस है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वो शेयर्स भी नीचे जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप पूरे रिजल्ट्स को देखें पिछले क्वार्टर के, तो जो इंडस्ट्रियल्स हैं उन पर जो है दबाव हमें देखने के लिए मिलता है। FMCG बाजार को रोक सकते हैं, बट वो खुद ही इतने ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो अभी उसमें देखना पड़ेगा। तो आज के जो शेयर्स हैं वो जो कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा इसलिए करेंगे कि भाई कम से कम जो है वो कंजम्पशन के अंदर मंदी नहीं है। NSE के एडवांस डिक्लाइन, 1153 शेयर एडवांस थे, डिक्लाइन 839। टाइटन आज देखिएगा दिग्गज है, तो कंजम्पशन रिलेटेड कंज्यूमर कंपनी है, उसी में आप 3% की तेजी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स है 1.61, पावर ग्रिड मारुति फिर ऑटो के अंदर 1.39, UPL जो है पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स के अंदर 1.1%, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बैंक 0.98, कोल इंडिया 0.8, और मंदी में भारतीय एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडालको, टाटा स्टील। अभी देखिए 2 दिन भाई साहब क्या तेजी दिखा रहे थे, कल हिंडालको और टाटा स्टील में क्या तेजी थी। बजाज फिनसर्व, सिप्ला, डिवीजल, बदानी पोर्ट और एक्सिस बैंक की कमजोर थे। हालांकि कमजोरी ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत ज्यादा कमजोरी थी, बट ये था कि आज ऊपर से माल में सप्लाई आ रही थी। और निफ्टी बैंक में भी देखिएगा लास्ट की जो चाल चली, ठीक है जी, वो बियर्स ने चली। हालांकि ऊपरी लेवल से आप देखेंगे कि पूरे दिन भर 43 के आसपास बाजार को जैसे ही लेके जाने की कोशिश करते थे, वो ऐसे ही बाजार जैसे ही मैं कहूँ 42950 के पास जैसे ही बाजार जाता था, अच्छी वाली सेलिंग जो है शुरू हो जाती थी। और फिर बाद में तो देखिएगा 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे 3:05 पर तो तगड़े वाला झटका जो है बियर्स ने दिया और लगातार जो है अनवाइंडिंग शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली। कैंडल यहाँ पर भी देखेंगे कि तो आप इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पर भी, तो इन्वर्टेड हैमर कल ये जो हैमर बन रहा था तो ये माना जा रहा था कि भाई एक अच्छा रन अप आएगा, आज इन्वर्ट हो गया। तो अभी एक हो सकता है कि बाजार कंसोलिडेशन में हो, लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन चेन के डेटा बैंक निफ्टी में है वो भी देखिएगा पॉजिटिव संकेत तो नहीं कर रहे, जो कल तक बड़े साउंड थे नंबर्स वो आज नहीं है। और मैंने यही कहा था कि देखिएगा जो सब लोग बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि 43500 तक जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी टेक्निकल सेटअप आप देखेंगे तो, बट मैंने कहा था कि मनोविज्ञान की बात मैं आपसे कर रहा था कि साइकोलॉजी अगर हम बाजार की समझने की कोशिश करें तो शायद बाजार आज नहीं जाए। और आज तो देखिएगा सेटअप ही बदल गया, आज तो सेटअप ही बदल गया, आज तो ऊपर से सेलिंग हो गई है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक और बंधन बैंक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कल जाते के साथ आपने तेजी करनी है, बाजार कल लड़ाई करेगा। लड़ाई करने के बाद देखिएगा मुझे लगता है कि 1:30-2 बजे तक जो है बियर्स जो है बाजार को कल अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और रीजन ये है कि जो पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट बुकिंग की अगले महीने में मुझे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक और बंधन बैंक, तो वो 1 या 2 हफ्ते तक शायद खींच सकती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, PNB और फेडरल बैंक। और देखिएगा वैसे तो मैं जनरली इन शेयर्स में जो सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि देखिएगा एक शेयर बहुत बीटन डाउन था और उसमें बहुत अच्छा रन पा चुका है, उस बैंक का नाम है RBL बैंक। तो मुझे लगता है कि RBL बैंक के अंदर जिनकी निवेश है वो शायद प्रॉफिट बुकिंग जो है करते हुए शायद आपको थोड़ा सा नजर आए। तो RBL बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज बहुत मजबूती में था, तेजी में था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि RBL बैंक एक ऐसा कैंडिडेट है जिसमें इन लेवल्स पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको नजर आएगी। वहीं पर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बैंक फ्लैट टू माइनस हैं, लेकिन गेम सारा आज कहाँ पे हो रहा था देखिएगा, ये है ओरिजिनल बैंक, जो जिधर जाएगा उधर बाजार जाएगा। और मुझे लगता है कि देखिएगा वॉल्यूम आज ही 4.35 थे, ऊपर से माल दिया जा रहा था और बुल्स ने बार बार कोशिश की इसको ऊपर खींचने की, लेकिन भाई साहब सेलिंग अच्छी थी। दूसरा आज SBI के अंदर सुबह मजबूती थी और बियर्स जो है इसको 600 के नीचे ला पाने में सफल रहे। इसी तरीके से ICICI बैंक को भी जो है 900 के नीचे धकेल पाए, तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ लग रही थी। मुझे लग रहा है देखिए कोटक बैंक ना इस पूरे महीने नहीं चला है, मंदी के पोजीशन तो इसमें बेशक से बनी हुई है, बट ये एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मुझे लगता है कि ये अभी भी जो है नीचे अपने आप को होल्ड कर पाएगा। देखिए बाकी शेयर्स के अंदर ना ओवरबोट सिचुएशंस हैं, तो वो हो सकता है कि अपने आप को ना रोक पाए जब वो अगर सेलिंग आएगी तो, बट मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक शायद अपने आप को कल रोक पाएगा और अगर सेलिंग होती है तो, और मुझे काफ़ी अच्छी संभावना लग रही है कि जो दिन का जो सेकेंड हाफ है
हो सकता है कि आपको शुरू में 1-1.5 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ के अंदर एक सीवियर जो है अगर बाजार खींचता है तो ऊपर से जो है एक अच्छी सीवियर, जो 0-0 ट्रेड्स होते हैं 2:30-3 बजे के आसपास, तो वहां पे लग रहा है कि बाजार जहां पर भी होगा, अगर शुरू में नीचे हो गया तो बात अलग है, लेकिन अगर वहां तक झेल पाया अपने आपको, मतलब रजिस्ट करता रहा, तो ये हो सकता है कि आपको 2:30 बजे के आसपास या 2:45-2:15 बजे के आसपास एक अच्छी वाली सेलिंग की जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड ले तो फाइनेंशियल एडवाइज सलाह लें, ये बात ध्यान रखिए, और उस समय पर देखिएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन बेचना कोई समझदारी की बात नहीं होती है, वहां पर जब भी कभी ट्रेड करने हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप वहां पर रेशियो ट्रेड कर सकते हैं, या एक साइड का भी ट्रेड लें तो एक ऐसी ऑप्शन लें जो सस्ते रेट में हो, और अगर वो चलती हुई नजर आए तो सस्ती ऑप्शन जो है कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है। 3-4 हफ्ते पहले हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हमने, हालांकि क्योंकि हमारी हेज पोजीशंस थी, तो एक ऑप्शन हमने 22 रुपए की बेची थी, वो बाद में 202 रुपए की हो गई थी विद इन हाफ एन आवर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उल्टा काम हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बात यह थी कि हमारे उस साइड दूसरी साइड पोजिशंस थी और सेम पोजिशंस हमने रोल ओवर भी कर दी, क्योंकि हमने बेचा इसलिए था कि भाई ठीक है 20 रुपये या तो आए ही जाएंगे क्वांटिटी के अंदर, मतलब अगर क्वांटिटी अगर अच्छी हो तो या तो आ ही जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हमने इसको रोल ओवर तो करना है, क्योंकि हमने ये चीज़ तो बेचनी आई अगले हफ्ते। बट होता है कभी कभी जो है 20 रुपये की चीज़ या 25 रुपये की चीज़ 200 रुपये भी हो जाती है। हालांकि जब उस ट्रेड में हुआ तो उस ट्रेड के बाद लगातार जो है बाजार ने मंदी भी दिखाई, तो अल्टीमेटली जो वो पोजिशंस थी, जब आप नियर बाय की कभी भी पुट सेल करते हैं और बाजार तेजी से टूटता है तो उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब तक आप पूरा हेजिंग का टूल ना समझे तो बट जो बायर है उसको कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, भाई पैसे दे दिए लॉटरी के लग गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो जो 2:30 बजे की लॉटरी होती है, जो 2:30 बजे की लॉटरी, मैं इसका नाम आप 0-0 कहते हैं, मैं इसको बोलता हूँ 2:30 बजे की लॉटरी। तो जो 2:30 बजे की लॉटरी होती है वो देखिएगा ज़्यादातर तो फेवर में रहती है बेचने वाले की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेचने वाला भी फंसता है, बेचने वाला भी फंसता है, और 2.5 रुपए की लॉटरी कभी कभी सच में जो है 10-10 गुना हो जाती है। तो 2:30 बजे की लॉटरी में अगर हम देखें तो एक बार रुझान आपको अगर एक बार कमजोरी का 2:30 बजे की लॉटरी में लगना शुरू हो जाए, देखो अगर बाजार पहले ही कमजोर हो गया तो बात अलग है, लेकिन अगर 2:30 बजे तक कमजोर नहीं होता है या बहुत ही जबरदस्त पुल बैक आ जाता है, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, तो बात अलग है। अगर नॉर्मल जैसे आज की तरह ट्रेड चल रहे थे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 2:30 बजे के आसपास, जैसे आज 3 बजे के आसपास सेलिंग हुई, तो 2:30-3 बजे के आसपास की जो लॉटरी है वो मंदी की लॉटरी शायद कल लग सकती है। लेकिन मैं कोई भी खरीदने की जो है सलाह नहीं दे रहा हूँ, और अगर कोई भी ले तो देखिए प्योरली प्योरली स्पेकुलेशन है, और इसके अंदर आपको जो है जब भी अगर करें भी तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कैपिटल इतनी डालें जो कि बहुत ही मामूली सी हो, जिससे कोई फर्क ना हो। इसका मतलब समझ लो कहीं घूमने फिरने गए थे, वहां पे कुछ पैसे खर्च हो गए इतना ही, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर देखिएगा ऑप्शंस क्या होती है, एक बार 0 हो जाती है तो दोबारा खरीदनी पड़ती है, अगले दिन फिर दोबारा से पूरे पैसे देने पड़ते हैं, तो इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में तो क्या है कि अगर आज आपने कोई चीज 20 रुपए की बेच दी और वो 202 रुपए की हो गई, तो ये पक्का है कि अगले हफ्ते की भाई साहब 500 रुपए में बिकेगी, ये पक्का है। तो वहां पे तो आपके पास चांस है, आपने 20 रुपये बेची, 202 रुपये हो गई, आपने खरीद ली, लेकिन उसका अगला हफ्ता आपका 500 रुपये में सेम स्ट्राइक प्राइस सेल होती है। लेकिन ऑप्शन बायर के पास ऐसा नहीं होता है, अगर ऑप्शन बायर ने आज वो खरीदी 20 रुपये की और वो 202 रुपये हो गई और वो सेम स्ट्राइक खरीदना जाएगा तो अगली बार फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो ऑप्शन बायर के पास ये एडवांटेज नहीं होता है। और आज की बात अगर करें कैश मार्केट में, तो कैश मार्केट में क्या आज कुछ भी नहीं था, आज DIIs बैकफुट पे थे भाई, DIIs रोज खरीद रहे हैं। अब DIIs को आज टेस्टिंग की थी, देखिएगा FIIs आज माइनस की तरफ थे, अगर कल HNI इन्वेस्टर्स और FIIs एक तरफ से हो गए तो कल शायद DIIs इस बात को समझ रहे हैं कि भाई ऊपर से ना सेलिंग आ रही है, अब थोड़ा सा हम बैकफुट पे आ जाते हैं, क्योंकि महीने की भी क्लोजिंग है तो और ईयर की भी क्लोजिंग है, तो ध्यान रखिएगा कल के दिन वो ये हो सकता है कि बैकफुट पे रहें, क्योंकि फ्राइडे के दिन NAV की कैलकुलेशन होनी है, यानी कि फ्राइडे को जब बाजार बंद होंगे तो बाजार के अंदर ये चीज़ है कि जो स्टॉक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से NAV डिसाइड होती है, तो पूरे साल भर की परफॉर्मेंस जनवरी टू दिसंबर देखते हैं 1 ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पर जनरली फ्राइडे में
बाजार को गिरने से रोकने की पूरी कोशिश डीआईएस की होती है। तो शायद हो सकता है कि डीआईएस कल थोड़ा सा बैकफुट पर रहें और कल उनकी बाइंग थोड़ी सी कम हो, लेकिन फ्राइडे के दिन मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग करेंगे वो, क्योंकि उनको अपनी एनएवी की वैल्यू जो है एडजस्ट करनी है। ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार हो। और एफआईज की जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उन्होंने आज 384 करोड़ मामूली सी सेलिंग की और 908 करोड़ की ऑप्शंस बाय की। देखिएगा जब इस तरीके की ऑप्शन सेल की तो जनरली ऐसा होता है तो जनरली एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही सेटल हो जाता है, लेकिन पूरे महीने की ऑप्शंस खरीदी हुई अभी भी 36972, तो अभी उनकी जेब से पैसा गया ही हुआ है, आया है नहीं कुछ एफआईज की तरफ, तो अभी भी नेट उन्होंने पैसे दे ही रखे हैं। तो कुल मिलाकर मेरा जो व्यू है वो मैंने आपको बता ही दिया, तो इससे भी सेम ही है। और आज स्टॉक फ्यूचर्स में 258 करोड़ की, तो लगातार चार दिन की अपनी शॉर्ट कवरिंग के बाद मतलब आज फिर फाइनली जो है एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हुए नजर आए। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर हो गया, यानी कि पुट राइटर को कॉन्फिडेंस दे दिया बेटा पुट बेचो। तो जब इतना कॉन्फिडेंस आता है ना पुट राइटर बेचता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसको ये लगता है कि बाजार तो गिरेगा नहीं, और मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स तभी जो है कमाल करते हैं। लेकिन आज बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कल थी, तो आज पुट राइटर्स को थोड़ा सा डर लग रहा था, और लास्ट आते थे जब बाजार गिरा तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए, तो जिन्होंने बेची भी होगी उन्होंने कहा चल यार 10-20-50 रुपए के चक्कर में कल की ऑप्शंस को तो सेटल कर, आगे की ऑप्शंस को देखते हैं, तो इसीलिए आपने पुट कॉल रेशियो भी कम नजर आ रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हर यार अच्छी तेजी कर रहा था, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई बात नहीं फ्लैट है, और इसका तो यार रोज चलता रहता है, इसको तो हम देखते ही नहीं आजकल, बस तेजी में देखते हैं इसको, मंदी में तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो देखते ही नहीं है, ये कितनी मंदी कर ले हमारे ट्रेडर्स मंदी नहीं करते, ठीक है। बट अब मुझे लगता है कि कल हमारी एक्सपायरी है तो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो जो ऑप्शन चेन के डेटा वगैरह हैं उनसे अभी क्या भनक लग रही है। तो देखिएगा 18,000 के ऊपर ना रोकने के लिए पूरा जान लगा दिया है बुल्स ने, 18,000 की पुट में 49,000 कॉन्ट्रैक्ट, 247,780 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, जबकि 18,100 के अंदर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आज भी लिख दिए, और 18,200 में 43,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो आज अगर हम इस पूरी ऑप्शन चेन को देखें तो दो ही डेटा आपको नजर आएंगे कि 18,500 सपोर्ट, 18,200 रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस 18,200 नहीं, 18,300 पे भी राइटिंग है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी कॉल साइड में, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा कि 18,200 के ऊपर बाजार को जो चलने दिया जाएगा, क्योंकि कल ये वीक थे, कल देखिए कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे था, आज कॉल राइटर एग्रेसिव हो गया, तो उसने आज दिन भर माल बेच के देखा, उसको पता चल गया कि भाई कहाँ तक पानी है, कितना माल छोड़ना पड़ेगा, कल के अपने माल वो इकट्ठा करके बैठ के गए हैं कि भाई कल कितना माल हमने छोड़ना है। बायर भी अपनी तैयारी करके आए, भाई उन्होंने कहा कि 18,000 के नीचे हम नहीं जाने देंगे, तो बायर ने भी जो है बुल्स ने भी जो है 18,000 की पूरी ताकत झोंक रखी है अगर हम देखें तो। बट ध्यान रखना जिधर भी बाजार जाएगा, मान लीजिएगा अगर 18,000 टूट गया तो एक पैनिक सेलिंग आ जाएगी, और जो बाजार को 17,900 और 17,850 तक ले जा सकती है, 17,800 शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा अभी टूटने का, जो पिछले इसी हफ्ते जो है टूटा था, लेकिन अभी जो है सॉरी पिछले हफ्ते फ्राइडे में टूटा था, जो इस हफ्ते तो नहीं लग रहा क्योंकि ऑप्शन चेंज यहाँ पे अच्छी आ गई है और कोई न्यूज़ फ्लो भी नहीं है इस तरीके का, और 18,200 जो है एक अच्छी रेजिस्टेंस है, और 18,300 भी है, तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट कवरिंग इतनी जल्दी आएगी, 18,200 18,300 18,400 तो अभी शॉर्ट है भी नहीं शायद बाजार में इतने, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले मंदी बनाएंगे तब हम बात करें, तो अभी बाजार में मंदी बनी नहीं हुई है, अभी तो बस केवल जो है वाटर टेस्टिंग हो रही है ऊपर से, और जिसका हमें अभी जो लग रहा है कि ऊपर से जो आज सेलिंग थी वो इस कॉल ऑप्शंस में भी नज़र आ रही है, क्योंकि कॉल ऑप्शंस की जो राइटिंग है वो ऊपर से जो बाजार में माल फेंका गया है तो वो एक बायर के साइड पे हैवी लोड हो गया, यानी कि बायर्स जो है उसकी तरफ बाजार है, यानी कि ओवरबोट है बाजार, तो जो अभी पिछले हफ्ते जब शुक्रवार को छोड़ गए थे तो ओवरसोल्ड बाजार थे, अब क्या ओवरबोट है, तो ओवरबोट में क्या होता है कि बाजार को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर सभी खरीदार हैं तो, और अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ना ऑप्शंस में डेटा ज़्यादा है नहीं, लेकिन 43,000 में 158,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 53,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। अगर हम पुट साइड में देखें तो 42,800 में राइटिंग हुई है, 42,500 में यहाँ पे 131,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 43 में 1,58,000 है, तो 42,500 और 43,000 के बीच में मुझे लगता है कि दिन भर जो है लड़ाई होती रहेगी, और कल भी 42,500 और 43 में, और जो मैंने दोपहर की बात की है तो वो मुझे लगता है कि 45 और 46 के आसपास अगर बाजार उस समय हुआ तो 42,500 तोड़ने की कोशिश करेगा बाजार, और फिर उस बाजार का जो लेवल है वो 42,200 तक जाता हुआ आपको नजर आ सकता है, 42,300 तक, ये
हमें अच्छी उम्मीद है कि बाजार कल भी आज की तरह ही करेगा, लेकिन अंत होते होते जो है लास्ट जो चाल है, क्योंकि आज भी आधी चाल जो है बियर्स खेल गया लास्ट में, तो अभी एक चाल बची हुई है, तो वो हमें उम्मीद है कि कल ही होगी और एक्सपायरी भी कल ही है। और फ्राइडे को तो देखिएगा म्यूचुअल फंड्स वालों ने माल खरीदने ही है अपनी एनएवी को एडजस्ट करने के लिए, तो कल हमें लगता है कि एक अच्छा चांस है कि ऊपर से जो है एक प्रॉफिट बुकिंग जो है जिन्होंने तेजी भी कर रखी है वो जब अपनी पोजीशंस को अगर रोल ओवर नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि तेजी वाले अगर फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन को रोल ओवर नहीं करते हैं तो बियर्स को पता चल जाता है या दूसरी पार्टी कहती है भाई ये तो माल अगले महीने तेजी का कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा है, तो फिर उस वजह से जो है कैश मार्केट में सेलिंग आने की संभावना रहती है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।